आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग आर्टिकल एंड फीचर्स। हमने पहले आपसे एडिटिंग की चर्चा की है और न्यूज़ एडिटिंग, न्यूज़ राइटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग, इन सब की चर्चा की। पिछली क्लास में मैंने इंट्रो एंड बॉडी राइटिंग की चर्चा की। तो न्यूज़ राइटिंग पर हमने तो इंट्रो, बॉडी, हेडलाइन सब की चर्चा की। अब बचता है आर्टिकल एंड फीचर। आर्टिकल एंड फीचर व्यूज पेज पर छपता है, ठीक है, न्यूज़ पेज पर नहीं छपता। न्यूज़ पेज सर्वाधिक होता है किसी भी अखबार में, मैंने बताया था। उदाहरण के लिए अगर 36 पेज का अंग्रेजी का कोई अखबार है या किसी भी भाषा का अखबार है तो उसमें अधिक से अधिक 2 पेज व्यूज पेज होता है। और जो सैटरडे संडे को मैगजीन निकलता है उसमें फीचर भी होते हैं, आर्टिकल भी होते हैं। आर्टिकल ज़्यादा आपको एडिट पेज पर मिलेगा और ऑपेड पेज पर मिलेगा, फीचर ज़्यादातर आपको इस पर मिलेगा, संडे मैगजीन, सैटरडे मैगजीन। कुछ अखबार बुधवार को भी निकालते हैं, हिंदी में देखोगे नबरंग, रसरंग, मधुरिमा, गरिमा, है ना। तो ऐसे ऐसे महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, युवा विशेषांक, ऐसे में कभी फीचर भी आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये व्यूज सेक्शन से रिलेट करता है, न्यूज सेक्शन से नहीं। लेकिन समाचार विचार की जननी है, मैंने आपको बार बार बताया, न्यूज इज द मदर ऑफ व्यूज, रिव्यूज, इंटरव्यूज, प्रीव्यूज, आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल। कोई घटना ही नहीं घटेगी तो कोई एडिटोरियल क्या लिखेगा, कोई घटना ही नहीं घटेगी तो लेख क्या लिखा जाएगा, आर्टिकल। तो आर्टिकल की एडिटिंग कैसे होती है या फीचर की एडिटिंग कैसे होती है, यह जानने से पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल किसे कहते हैं या फीचर किसे कहते हैं। जब हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी इसके प्रकारों को जानेंगे, फिर हम उस पर कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको आलेख, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं आलेख। एडिटोरियल को क्या कहते हैं, अग्रलेख, बहुत जल्दी त्वरित टिप्पणी, अग्रलेख। एडिटोरियल की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आलेख भी लेख का ही एक प्रकार है, अग्रलेख भी लेख का ही एक प्रकार है। लेख जो आप स्कूल में पढ़ते थे निबंध, वो बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में निबंध लिखा जाता है। पहले हम इंट्रो लिखते हैं, फिर उसके ओरिजिन्स लिखते हैं, फिर उसके ग्रोथ लिखते हैं, उसके डेवलपमेंट, उसके मेरिट्स लिखते हैं, डिमेरिट्स लिखते हैं, कंक्लूजन करते हैं, एक उसका ऑर्थोडॉक्स्ड बड़ा टाइट स्टीरियोटाइप प्रोसेस है जिससे हम किसी निबंध को लिखते हैं। लेकिन आर्टिकल राइटिंग इज डिफरेंट, आलेख है तो लेख ही लेकिन थोड़ा अलग है। आलेख किसी भी मुद्दे पर हम परिमार्जित और परिष्कृत तरीके से, जब हम कोई लेख को पत्रकारी तरीके से लिखते हैं और ज्वलंत मुद्दे पर लिखते हैं तो वो कहलाता है आलेख। यानी आर्टिकल इज ए ग्लोरिफाइड एंड डिग्निफाइड फॉर्म ऑफ एन एसे रिटन इन ए जर्नलिस्टिक मैनर ऑन करंट बर्निंग इशू। जैसे आप लेख कभी भी महात्मा गांधी पर लिखते हैं, कभी भी गौ माता पर लेख लिख देते हैं, लेकिन आलेख ज्वलंत मुद्दों पर, कोई घटना घटी। अब जैसे यूएस में, यूके में अभी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने, तो अब उस पर आर्टिकल आ रहा है, उस पर फीचर आ रहा है, ठीक है। तो ज्वलंत मुद्दा है कि अभी अभी एक भारतीय मूल के हिंदू प्रधानमंत्री बने, यूके के प्रधानमंत्री बने अभी हाल में, वहाँ की गृह मंत्री भी भारतीय है और कई कैबिनेट में उसके मिनिस्टर भी और सेक्रेटरीज भी भारतीय मूल के हैं, बहुत बड़ी बात। इस पर काफ़ी लेख और फीचर अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बड़े बड़े देशों में बहुत धूमधाम से दिवाली पार्टी मनाई गई, यूएस के व्हाइट हाउस में मनाई गई। यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने निवास पर दिवाली पार्टी मनाया और बड़ी संख्या में भारतीय उपस्थिति, बड़ा बर्निंग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है कि अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर दिवाली, छठ मनाया जा रहा है। आज हमारे देश में छठ मनाया गया,
है ना। वैसे तो मूलतः ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का त्यौहार है, लेकिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से, दिल्ली में तो इसकी छुट्टी भी होती, कई राज्यों में छुट्टी होती, लेकिन हरियाणा में इसकी छुट्टी नहीं होती। आगामी आने वाले समय में क्या पता इस पर भी कोई छुट्टी हो, लेकिन ठीक है, एक पर्व है ये। अलग अलग देशों में भी, उसके टुकड़े में भी, हिस्सों में मनाया जाता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इश्यू है कि इस पर हम लोगों को जानने की इच्छा होती कि ये पर्व वहाँ कैसे मनाया जाता है, ये ज्वलंत मुद्दा। उसी तरह पॉलिटिकल बर्निंग इश्यूज हैं, इकोनॉमिक बर्निंग इश्यूज हैं, सोशल बर्निंग इश्यूज हैं, देयर सो मेनी इश्यूज जिसकी हम चर्चा करें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो उस ज्वलंत मुद्दे पर ये लेख लिखा जाता है, लेकिन पत्रकारी तरीके से, जर्नलिस्टिक मैनर में लिखा जाता है। लेख आप जर्नलिस्टिक तरीके से नहीं लिखते, है ना, लेकिन इसमें जर्नलिस्टिक अप्रोच, जर्नलिस्टिक स्टाइल से हम आर्टिकल को लिखते हैं। जो एडिटोरियल पेज होता है या ऑपेड पेज होता है, मैंने बताया आपको कई बार, कुछ लोग इसको नॉन जर्नलिस्टिक पेज कहते हैं, मेरे हिसाब से ये सेमी जर्नलिस्टिक पेज है, क्योंकि एडिटोरियल पेज पर रीडर्स भी लिखता है जो अपने विचार को लिख देता है खुला, जैसे भी उसकी इच्छा हुई, चाहे निबंधात्मक रूप में लिख दे। उसमें कई दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, कोई भी लिख देता है, तो वो सारे पत्रकार नहीं होते और वो पत्रकारी तरीके से भी नहीं लिख पाते, लेकिन वो भी जब लिखते हैं तो बर्निंग सोशल इश्यूज पर ही लिखते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज पर लिखते हैं। तो क्या हुआ, उस लेख में बर्निंग इश्यूज आ गया, और वो भी कोशिश करते हैं कि पाठक का पब्लिक इंटरेस्ट, थोड़ा जर्नलिज्म तो सबको पता होता है, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट और बर्निंग इश्यूज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अपने स्टाइल में थोड़ा वो जर्नलिस्टिक बना देते हैं। फिर थोड़ा बहुत उसकी एडिटिंग हो गई तो उसको हम जर्नलिस्टिक बनाते हैं, क्योंकि डेस्क बैठा है, व्यूज सेक्शन में उसकी एडिटिंग भी होगी, तो उसको थोड़ा सा पैराग्राफ को ऊपर नीचे करके थोड़ा उसके जर्नलिस्टिक अप्रोच देके बर्निंग इश्यूज को जल्दी से जल्दी छापने का प्रयास किया जाता है। ठीक, कोई जर्नलिस्ट अगर आर्टिकल लिखता है तो उसका स्टाइल थोड़ा अलग होता है। मान लो न्यूज एडिटर रहा, फिर आर्टिकल लिख रहा है, उसका देखोगे इंट्रो में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल में भी आ जाएगी। वैसे आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूज से भिन्न होता है। आर्टिकल का स्ट्रक्चर जनरली पिरामिड होता है। आर्टिकल में जनरली लास्ट पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ लोग इंट्रो भी बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन जनरली वो पिरामिड स्टाइल होता है। मगर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको एक अलग शेप दे देते हैं। तो आर्टिकल लिखने का उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे न्यूज का है, क्योंकि थोड़ी क्रिएटिविटी होती है तो उसमें फ्रीडम होता है। फ्रीडम होता है तो उसका अप्रोच जर्नलिस्ट लोग जब लिखते हैं तो थोड़ा सा अलग स्टाइल होता है, क्योंकि हर का अपना बैकग्राउंड आ ही जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर लिखेगा तो थोड़ा अलग स्टाइल, कोई कोर्ट से रिलेटेड जस्टिस है या एडवोकेट है, उसका एडवोकेट रहेगा तो एडवोकेसी करने का स्टाइल रहेगा, तो वो एक जज है तो बड़ा बैलेंस्ड दूसरे तरह का स्टाइल रहेगा। एडवोकेट का जरा डिबेटेबल स्टाइल रहता है, तो वो उसके अपने बैकग्राउंड की झलक उसमें आती है। फिर भी मोटा मोटी आर्टिकल का स्ट्रक्चर पिरामिड होता है। तो आर्टिकल आप समझ गए। अब आर्टिकल के कई प्रकार भी होते, जैसे कुछ आर्टिकल बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, कोई नई नई घटनाएं घटी उसको कलेक्ट करके बहुत अच्छा से व्यवस्थित कर दिया, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन का डोमिनेंस है और थोड़ा सा एनालिसिस है, उसको इंफॉर्मेटिव आर्टिकल कहते हैं। फिर कोई एजुकेटिव आर्टिकल होता है, बात बात में शिक्षा है, बात बात में उसने किसी तथ्य का को शिक्षाप्रद तरीके से प्रस्तुत किया, तो उसको हम कहते हैं शिक्षाप्रद आलेख। मैं आलेख की भी चर्चा अलग से कभी करूंगा, अभी इसके एडिटिंग की चर्चा में हमें थोड़ा सा आर्टिकल क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं थोड़ा सा जानना है। फिर कुछ आर्टिकल इंटरटेनिंग टाइप से भी होता है, इंटरेस्टिंग पीस, दैट इज ऑल्सो आर्टिकल। कुछ आर्टिकल बड़े एनालिटिकल तरीके से लिखा जाता है, हर चार फैक्ट्स को मिला के कोरिलेट कर दिया जाता है, एक घटना यहाँ घटी, यूके में घटी, यूएसए में घटी, सबको कोरिलेट कर दिया जाता है, तो उसको कैसा आर्टिकल कहते हैं, एनालिटिकल आर्टिकल। कुछ आर्टिकल फ्यूचरिस्टिक होता है, जो भविष्यवाणी करता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है, अभी ऐसा हो रहा है, तो भविष्य में ऐसा होने की पूर्ण संभावना है। जैसे हम कहते हैं दुनिया बहुत छोटी हो गई, अब कहते हैं ब्रह्मांड भी बहुत छोटी हो सकती है, क्यों, भविष्यवाणी ऐसे आ रहे हैं।
क्योंकि दुनिया धीरे धीरे ग्लोबल विलेज हो गया। तो उसी तरह मैंने एक उदाहरण दिया, आप बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आर्टिकल के कुछ प्रकार हैं और आर्टिकल क्या है इसको समझे बगैर हम आर्टिकल का संपादन नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल के संपादन में भी वही बात है जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग पढ़ाया गया है, वो सारे प्रिंसिपल्स इसमें भी लागू, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग केवल न्यूज़ के लिए थोड़ी है, वो व्यूज के लिए भी है। तो इसमें भी आपके वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, यूज सेलेक्ट एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा है, प्रॉपर वर्ड्स शुड बी यूज्ड, सिनोनिम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दो सिनोनिम्स भी एक नहीं होता, मैंने आपको बताया है। जैसे कहते हैं हिंदी में हवा और वायु और पवन, ये सिनोनिम्स है, लेकिन इसमें भी अंतर है ना। कोई कहता है कि मेरी साइकिल में जरा समीर भर देना, मेरी गाड़ी में जरा पवन भर देना, हाँ मेरी स्कूटर में जरा सा वो भर देना, तो इसमें भी अंतर है, जबकि ये पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह कैसे पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होता है, ये सब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग में आपसे चर्चा की। सेवन सीज प्रिंसिपल्स आर्टिकल राइटिंग में भी लागू होगा, इसको मैं फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक लाइन बता दें, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंटिन्यूटी, कॉमननेस, करेक्टनेस, क्रेडिबिलिटी, कंप्लीटनेस, ये सेवन सीज हैं। आर्टिकल राइटिंग में भी हमको कंसेप्चुअल लिंग्विस्टिक क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंसेप्चुअल लिंग्विस्टिक क्रेडिबिलिटी, कंप्लीटनेस, ये हर दृष्टि से हमें सेवन सीज जो पहले बृहद चर्चा हुई है यहाँ भी पालन होगा। इसमें भी वो गोल्डन रूल्स जो आपको बताया गया है, स्वर्णिम नियम पत्रकारिता के, वो सब इसमें लागू होगा। उसी तरह फीचर का जो संपादन होता है वो कैसे होगा, तो फीचर संपादन के लिए भी हमें फीचर को समझना होगा कि फीचर क्या होता है। बहुत लोग फीचर और आर्टिकल में फर्क नहीं जानते, फीचर और न्यूज में फर्क नहीं जानते। फीचर और न्यूज में क्या फर्क है, न्यूज का बहुत ही स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन फीचर कहलाता है। तथ्यों को या समाचार को बहुत ही विशिष्ट तरीके से जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वह फीचर कहलाता है। जैसे कहीं पर दुर्घटना घटी, लेकिन वहां पर बार बार दुर्घटना घट रही है, तो उस दुर्घटने के बहुत सारे पहलुओं को विचार करते हुए, सारे एंगल से पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए एक पूरा बृहद विश्लेषण होता है, वो एक प्रकार से फीचर हो जाता है। बहुत से एंगल्स को लिया जाता है, यहाँ पर सड़क का मुड़ाव ऐसे टेढ़ा है, यहाँ पर अखबार रखा तो मुंह पर आ गया और धक एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर भूतों का बास भी लगता है, इस पीपल के वृक्ष, कुछ भी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट सब में होता है, पत्रकार उसको माने या ना माने, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को एक वो छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसी मान्यता है तो उस आधार पर भी वो सब पूरा विश्लेषण, तो फीचर में पूरा उसका बृहद व्यापक और विस्तृत समाचार का ब्यौरा और उसकी विशिष्ट प्रकटीकरण फीचर कहलाती है, ठीक है। इसको न्यूज फीचर भी कह सकते हैं, फीचर के भी बहुत प्रकार हैं, लेकिन फीचर की और भी परिभाषाएं, ठीक है। फीचर को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जाता है, फीचर इज एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ राइट, रुचिकर लेखन फीचर कहलाता है। उसका एक उद्देश्य है कि हम इसको इंटरटेनिंग बनाए, हालांकि फीचर भी अंत में आपके माइंड को चेंज करना चाहता है ना, ये नहीं कि केवल हंसाना उसका और आपको खुश करना पर्पस, वो आपको परसू करना चाहता है, ठीक है। जैसे लिखते हैं थैंक यू फॉर नॉट स्मोकिंग, अब ये एक फीचर है, इसको उसने बड़ी गंभीर बात को बहुत ही हंसते हंसते बता रहा है। अगर हम फिल्म का उदाहरण दें तो मेरा नाम जोकर एक फिल्म होता था, उसमें बहुत हंसाया गया था, दो जासूस एक फिल्म था, बड़ा बहुत हंसाया गया है, लेकिन ये सब बड़े गंभीर मुद्दे पर है। मेरा नाम जोकर बहुत गंभीरता, गंभीर मुद्दे को मतलब हंसते हंसते दो जासूस, उसके गाना भी सुनोगे तुमको पता चलेगा कि इसमें कितनी गंभीरता भी है लेकिन उतना ही इंटरटेनमेंट भी है। तो उसी तरह फीचर राइटिंग, देखो फीचर फिल्म कहते हैं हम लोग, है ना, इंटरटेनमेंट फिल्म को कहते हैं फीचर फिल्म, मतलब इसमें इंटरटेनमेंट, आर्टिस्टिक फिल्म नहीं, आर्ट फिल्म नहीं, तो इंटरटेनमेंट फिल्म को पहले टीवी पे देखते थे, आज फीचर फिल्म आएगा। उसी तरह फीचर जो है वह एक पीस ऑफ इंटरटेनमेंट, पीस ऑफ राइटअप, इंटरटेनिंग पीस ऑफ राइटअप, इंटरेस्टिंग पीस ऑफ राइटअप, ये फीचर की एक परिभाषा है, ठीक है।
अब फीचर और आर्टिकल में, फीचर और न्यूज में फर्क मैंने बता दिया आपको, फीचर की एक जनरलाइज परिभाषा बता दी, वो आर्टिकल और फीचर में भी फर्क है, इसमें बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस, सूक्ष्म अंतर, क्योंकि दोनों तो विचार ही है, दोनों वैचारिक लेखन है, और आजकल तो हर जगह थोड़ा थोड़ा फीचर, क्योंकि सब लोग चाहते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से लिखें ताकि जनहित और जन की रुचि उत्पन्न हो, तो आजकल एडिटोरियल को भी लोग गंभीर मुद्दे में भी जितना इंटरटेनमेंट डाल सकते हैं डाल देते, बहुत गंभीर मुद्दा है कोई ऑबिचुअरी राइटिंग है उसमें तो इंटरटेनमेंट की गुंजाइश ही नहीं, लेकिन हम सब जगह थोड़ा थोड़ा फीचर आजकल आ गया, न्यूज़ में भी थोड़ा सा फीचर देखो गया, हर जगह फीचर जैसा पाउडर जो है, जैसे भोजन में कुछ लोग खास प्रकार का पाउडर डालते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो पाउडर जो है वो फीचर का पाउडर सब जगह आजकल थोड़ा थोड़ा, आपको एडिटोरियल भी फीचराइज्ड हो गया, आर्टिकल भी फीचराइज्ड हो गया, लेकिन फिर भी आर्टिकल और फीचर में मोटा मोटी अंतर है, अभी मैंने दोनों की परिभाषा ही बता दी आपको, एक और बहुत बड़ा अंतर है आर्टिकल और फीचर। आर्टिकल, फीचर इज द आउटकम ऑफ आवर हर्ट एंड आर्टिकल इज आउटकम ऑफ आवर माइंड, फीचर हमारे हृदय की उपज है जबकि आलेख हमारे मस्तिष्क की उपज है, ठीक है, फीचर में हम इट फीलिंग्स एंड इमोशंस, इट्स ए राइटिंग फ्रॉम हर्ट, सो यू विल टच द फीलिंग्स इमोशंस, बड़े मर्म स्पर्शी शब्दों का और भाषा का प्रयोग फीचर में होता है, जबकि आर्टिकल एक हमारे मस्तिष्क की उपज, डाटा होगा उसका एनालिसिस होगा, ये थोड़ा सा अंतर, इसलिए आप देखेंगे एडिटोरियल पेज पर जो लेख होता है वो ज़रा सीरियस होता है, आर्टिकल इज सीरियस, मोर सीरियस, फीचर इज ऑल्सो सीरियस बट इट डजेंट लुक एज इफ इट इज ए सीरियस राइटिंग, इट मे बी वेरी सीरियस बट देर इज इंटरटेनमेंट, तो ये इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, अब वो हमारे माइंड से है, इसका क्या अंतर है, माइंड और हार्ट को तो अलग नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए दोनों को पृथक करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आर्टिकल इज, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अब बजट पर आर्टिकल लिखते हैं लोग, कहते हैं पिछले बजट में 5,000 करोड़ का घाटा था, इस बजट में 7,000 करोड़ का घाटा है, ऐसा लगता है कि अगले बजट में 10,000 करोड़ का घाटा होगा, ये एक आलेख की भाषा है, फीचर की भाषा होती है, पिछला बजट आंधी बनकर आया था, ऐसा लगता था कि ये बजट तूफान बनकर आएगा, लेकिन ये तो ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा के रूप, ये देखो साहित्यिक भाषा, थोड़ा सा हर्ट टचिंग लैंग्वेज, दोनों की भाषा में अंतर है, एक में ज़्यादा आंकड़ों का विश्लेषण है और एक में फीलिंग्स एंड इमोशंस को टच किया जा रहा है, बजट इज लाइक मोनालिसा ए स्माइल, ये फीचर के ही हेडलाइन, और आर्टिकल के हेडलाइन बजट इज ए डिफेंसिव मूव, ऐसे हेडलाइन, ऐसे उसको आपको हेडलाइन से ही पता चल जाएगा कि आर्टिकल है कि फीचर है, इसमें बहुत मुश्किल है डिफरेंस करना, फिर भी मैंने आपको संक्षेप में बताऊंगा कि जो आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर जो होता है वो ज़्यादातर आर्टिकल होता है, थोड़ा सा फीचराइजेशन हो सकता है, लेकिन जो सैटरडे मैगजीन, संडे मैगजीन, वेडनेसडे मैगजीन, नसरंग, रसरंग, नबरंग, मधुरिमा, जितने इस तरह के श्रृंगार, ये सब फीचर पेज होते हैं, इसमें फीचर ज़्यादा होगा, लाइट आर्टिकल, फीचर इज ए लाइट राइट आर्टिकल, इंटरटेनिंग आर्टिकल, इसमें पिक्चर्स ज़्यादा होता है फीचर में, फीचर बिना पिक्चर के होता ही नहीं, पिक्चर इज ए मस्ट, ये तो कंप्लीट फीचर नहीं कहा जाएगा, फीचराइजेशन कह सकते हैं, लेकिन फीचर, पूर्ण फीचर होने के लिए उसमें विजुअल डिपिक्शन मस्ट, ठीक है, तो फीचर, उसके बाद कई ऐसे मैगजीन है जैसे सरिता, मधुरिमा, बामा, कुछ इसमें पुराने भी हो गए, ये सब फीचर मैगजीन है, ठीक है, रीडर्स डाइजेस्ट फीचर मैगजीन, लेकिन वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, किसी ने देखा है, बड़ा सीरियस उसमें एनालिसिस होता है, इट्स ए मेनली आर्टिकल कंटेनिंग पेपर जर्नल, इसमें आर्टिकल ज़्यादा होता है, तो आप मोटा मोटी मैंने जो उदाहरण दिया इससे आप आर्टिकल और फीचर में थोड़ा फर्क समझिए, फीचर इज ए क्रिएटिव राइटिंग, लॉट ऑफ न्यूनेस इनोवेशन इज देयर इन फीचर, ठीक है, इसमें इनोवेशन बहुत होता है, अब कभी कभी लोग एडवर्टाइजिंग से भी फीचर की तुलना करते हैं, एडवर्टाइजिंग भी बड़ा क्रिएटिव तरीके से पेश किया जाता है ना,
कई एडवर्टाइजिंग देखोगे बड़े क्रिएटिव तरीके से, आजकल तो बड़ा डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जमाना है, लेकिन एडवर्टाइजिंग और फीचर में तो बड़ा मोटा मोटी फर्क है कि जो एडवर्टाइजिंग छपवाता है उसको पैसा देना पड़ता है, सो इट इज़ अ पेड फॉर्म, और फीचर में ऐसा नहीं होता, उल्टा जो लिखता है उसको पैसा मिलता है, ठीक है। ये तो दूसरे दोनों का अप्रोच अलग है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, एडवर्टाइजिंग परसुएसिव होता है। उसके बाद फीचर इज ए क्रिएटिव राइटिंग, मैंने अभी बताया एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो क्रिएटिव राइटिंग बट देर इज ए डिफरेंस। देन फीचर इज ए क्रिएटिव राइटिंग एंड फिक्शन इज ऑल्सो क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन फिक्शन और फीचर में भी फर्क होता है। फिक्शन लिटरेचर का पार्ट, उसमें ज्यादा कोरी कल्पना होती, झूठी कल्पना, और फीचर जर्नलिज्म का पार्ट। तो जर्नलिज्म में फैक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जर्नलिस्टिक जो फीचर जो होता है इट कम्स अंडर जर्नलिज्म एंड फिक्शन कम्स अंडर लिटरेचर। सो फीचर में इमेजिनेशन जरूर होगा, लेकिन इमेजिनेशन रियलिस्टिक इमेजिनेशन, समझ गए। रियलिस्टिक इमेजिनेशन बड़ा अजीब सा शब्द है, फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि फीचर में जो इमेजिनेशन भी होता है, चूंकि जहाँ क्रिएटिविटी होगा वहाँ इमेजिनेशन भी होगा, लेकिन ये रियलिस्टिक इमेजिनेशन होगा, जैसे द हाउस इज लाइक ए टेम्पल, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज लाइक हिटलर, ऐसे कहते हैं लोग, अखबारों में भी लिखते थे। तो एक तुलना, एक इमेजिनेशन, हाउस इज लाइक ए टेम्पल, द आईसी ग्लास, द जूसीएस्ट स्कैंडल्स, तो ये जो है एक इमेजिनेशन रियलिस्टिक होगा, जबकि फिक्शन में एक लोटा था, उससे उसको खोला गया तो उसमें से धुआं निकला, वो भूत बन गया, ये एकदम से इमेजिनेशन। तो मैंने आपको फीचर और आर्टिकल का फर्क बताया, फीचर और न्यूज़ का फर्क बताया, फीचर की परिभाषा भी दी, फीचर और एडवर्टाइजिंग का बहुत शॉर्ट में फर्क बताया, फीचर और फिक्शन में फर्क बताया। अब आप फीचर थोड़ा सा समझ जरूर गए, ठीक है। फीचर और आर्टिकल पर अलग से भी हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी अंतर मैंने आपको बताया। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको आर्टिकल का एडिटिंग और फीचर का एडिटिंग बताना है। फीचर के भी बहुत से टाइप होते हैं, कुछ टाइप्स की चर्चा मैंने अभी कर दी, न्यूज़ फीचर, फीचराइज्ड न्यूज़, फीचर आर्टिकल भी एक शब्द है, फीचर आर्टिकल भी एक शब्द है, दोनों को मिक्सचर है आर्टिकल एंड फीचर का। लेकिन जब आर्टिकल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा फीचर होगा तो फीचर आर्टिकल हो जाएगा, फीचराइज्ड आर्टिकल में और भी कम फीचर होता है, थोड़ा सा जस्ट टच ऑफ फीचराइजेशन, हेडिंग में भी लाइक दैट। तो ये फीचर के कई रूप हैं, पर्सनालिटी फीचर अलग होता है, इंटरव्यू फीचर अलग होता है, ऑबिचुअरी फीचर अलग होता है, टूरिज्म फीचर अलग होता है ना, ट्रैवल लॉग अलग होता है, उसके बाद और भी कई तरह के फीचर होते हैं, इन्वायरमेंटल फीचर, इवन पॉलिटिकल फीचर आजकल हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं फीचर केवल सॉफ्ट इशू पर लिखा जाता है जैसे आर्ट एंड कल्चर, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, फीचर किसी भी मुद्दे पर इंटरेस्टिंग तरीके से, एक फीलिंग्स एंड इमोशंस को टच करते हुए क्रिएटिव तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, इट कैन बी ए पॉलिटिकल फीचर ऑल्सो फीचर। तो इस प्रकार से हमने फीचर और फीचर का स्ट्रक्चर क्या होता है एक लाइन में बताता हूँ। फीचर एक क्रिएटिव राइटिंग है, इसलिए फीचर का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, इसलिए फीचर का स्ट्रक्चर लेखक ही डिसाइड करे कि वो कहाँ से शुरू करना चाहता है और कहाँ अंत करना चाहता है, ठीक है। कुछ तो बड़े जनरलाइज्ड इंट्रो देते हैं जिसको कैप इंट्रो कहते हैं, इसका कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बीच में भी जा सकता है, अंत में भी जा सकता है, शुरू में भी जा सकता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों ने इसका भी स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है, जिसको मैं कभी ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगा, फिर भी मेरे विचार से फीचर डज नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर लाइक न्यूज़। न्यूज़ में भी हम देखते हैं बहुत से क्रिएटिव न्यूज़ में हम उसको ये कर देते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होता, उसी तरह फीचर में कोई इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं, यू हैव द फ्रीडम टू क्रिएट योर ओन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आपने फीचर को समझ लिया तो इसकी एडिटिंग भी करना आपके लिए सरल होगा, क्योंकि पहले मेरा कंसेप्चुअल एंड थेरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हम उसका एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ भी एडिटिंग के जो आपको वर्ड पावर का बताया गया था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रेजेस
का यूज बताया गया था, जो आपको गोल्डन रूल्स बताया गया था, जो सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया था, वो सब लागू होगा। यहाँ भी स्ट्रक्चर की बात आई, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इस प्रकार मैंने आपको आज दो टॉपिक एक साथ कवर किया, आर्टिकल राइटिंग एडिटिंग ऑफ आर्टिकल एंड एडिटिंग ऑफ फीचर, ये दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको संक्षेप में देने का प्रयास किया। इस पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक लेक्चर और किया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, कोई टिप्पणी करनी है, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।